जादुई कढ़ी चावल वाली देवी माँ। एक गांव में प्रेम नाम का एक आदमी अपनी 5 साल की छोटी बेटी के साथ रहता था। बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ। जी पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं, अभी बाहर बहुत तेज धूप है बेटा। नहीं, मुझे भी आपके साथ जाना है। मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई, अब आप भी झूठ बोलकर कहीं मुझे छोड़ मत जाना। अपनी बेटी की बात सुनकर प्रेम की आंखें भर आई। पापा, आप रो रहे हो। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगा। लेकिन आपकी आंखों में तो पानी है, और मेरी आंखों में पानी जब आता है जब मैं मम्मा को याद करती हूँ। क्या आपको भी मम्मा की याद आ रही है? हाँ, मुझे भी तुम्हारी मम्मा की याद आ रही है। अच्छा, अब जल्दी करो, आज हम एक साथ खेतों पर काम करेंगे। ये प्रेम अपनी बच्ची को पीठ पर उठाकर चल दिया और कुछ देर में वो अपने खेतों पर पहुंच गया। हाँ सारा बेटा, तुम इस पेड़ की छाव में बैठ जाओ, इतने में बेकार गले हुए पत्ते निकाल कर आता हूँ। नहीं, आज मैं भी काम करवाऊंगी। मुझे बताइए कैसे करना है। ओहो मेरी बेबी डॉल, इतनी बड़ी कब हो गई। हाँ ठीक है, चलो करो। सारा ने प्रेम के साथ खेत में काम करवाया। वो कभी गले हुए पत्ते निकालती तो कभी ताजी पत्ते भी तोड़ देती। इसी तरह कुछ देर काम करने के बाद, पापा मुझे भूख लगी है। अब मेरी बेबी डॉल ने इतनी मेहनत की है तो भूख तो लगेगी ही। अच्छा बोलो क्या खाना है। मुझे नहीं पता। चलो आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। प्रेम अपनी बेटी को खेत में छोड़कर छोले भटूरे लेने चला गया। प्रेम गरीब था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बिना सोचे अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। और जब वो छोले भटूरे खरीद कर लौट रहा था तभी, अरे बेटा, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। उस भिखारन को भूखा देखकर प्रेम ने बिना कुछ सोचे अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था, प्रेम ऐसा बोलकर वहां से चला गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। पापा, आप अपने लिए नहीं लेकर आए? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं थी, तुम खा लो। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे हाथ से 2 निवाले भी नहीं खाओगे? अच्छा मेरी माँ, ठीक है खिलाओ। दोनों बाप बेटी ने बचा हुआ खाना खाया और फिर प्रेम अपने घर आ गया। सारा, चलो बेबी गर्ल, अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे नहीं सोना है। अच्छा चलो जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाऊंगा। नहीं सारा। दोनों बाप बेटी में इसी तरह से बातें चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखो बाबा, कोई हमारा दरवाजा बजा रहा है। इस समय कौन हो सकता है। प्रेम ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। जी आप कौन? मेरा नाम पूजा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, कुछ गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज, क्या आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दे सकते हो? प्रेम उसे देखकर सोचने लगा, लेकिन वो एक नर्म दिल इंसान था, इसलिए उसने उस लड़की को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत गर्मी है। पूजा घर के अंदर आ गई। जैसे ही उसने अपने कदम प्रेम के घर में बढ़ाए तभी उसके घर में रखे मुरझाए हुए फूलों के पौधे में फूल खिल गए, और अचानक ही घर में एक अजीब सी रोशनी और सुकून सा छा गया, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन उसे महसूस किया जा सकता था। अगली सुबह पूजा जल्दी उठ गई और उसने प्रेम और सारा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाया। अरे वाह, क्या ये तुमने बनाए हैं? जी पापा, ये क्या है? बेटा ये कढ़ी चावल है, यहाँ आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। आप रहने दीजिए, सारा को मैं खिला दूंगी, आप खा लीजिए। हाँ, मुझे दीदी के हाथों से ही खाना है। ओहो, दीदी के आते ही पापा को भूल गई। सभी हंसने लगे। प्रेम ने जैसे ही कढ़ी चावल को चखा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कैसे लगी? वाह क्या स्वाद है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, मजा आ गया। आपका शुक्रिया। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो, घबराओ मत। प्रेम जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इन कढ़ी चावलों को बना बना कर बेचना शुरू कर दूं, इससे आपको भी थोड़ा सहारा लग जाएगा, और जितने दिन भी मैं आपके साथ रहूंगी मैं भी सुकून से रह सकूंगी। प्रेम ने कुछ देर सोचकर उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। ठीक है, अगर तुम दिल से ऐसा करना चाहती हो तो कर सकती हो। पूजा बहुत खुश हुई
और प्रेम जब अपने खेतों पर चला गया तो उसने बेचने के लिए कढ़ी चावल बना लिए और अपने घर के बाहर एक भगौना रख कर उन्हें बेचने लगी। कुछ ही देर में वहाँ ग्राहक भी आने शुरू हो गए। तुम कौन हो बहन? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जी मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। जो भी हो हमें तो तुम अपने हाथों के कढ़ी चावल खिलाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो बस खुद को रोका नहीं गया और मैं यहाँ खींची चली आई। ऐसा क्या, लीजिए। पूजा ने उस औरत को कढ़ी चावल खिलाए। वो औरत उन्हें खाते ही पूजा के हाथ के कढ़ी चावलों की दीवानी हो गई। वाह, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी बिरयानी में भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई स्वर्ग का पकवान खा लिया हो। ये लो बहन, तुम्हारे चमत्कारी कढ़ी चावलों के पैसे। शुक्रिया। इसी तरह से पूरे दिन में बहुत सारे लोगों ने पूजा के हाथ के कढ़ी चावल खाए और उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए चले गए। शाम को पूजा ने सारे पैसे प्रेम को दे दिए। वाह, ये तुम्हारी आज की कमाई है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? रख लीजिए, मैं इस घर में रह रही हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको कुछ दूँ। कैसी बात कर रही हो? कृपया ले लीजिए मेरी खुशी के लिए। प्रेम कुछ नहीं बोल पाया और उसने पूजा के दिए हुए पैसों को अपने पास रख लिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब पूजा का छोटा सा काम बहुत बड़ा हो चुका था। पूरे गांव में उसके कढ़ी चावलों के चर्चे थे कि एक दिन पूजा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने कढ़ी चावल बना लेती हूँ। सारा अपने स्कूल में थी। प्रेम के काम पे जाते ही पूजा ने अपना रूप बदल लिया और वो एक बहुत ही सुंदर सी देवी में बदल गई और कढ़ी चावल बनाने लगी कि तभी, अरे नहीं, मैं तो सारी खाद तो घर पर ही भूल आया, वापस जाना पड़ेगा लगता है। प्रेम वापस घर आ गया और एक देवी को अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हुए देखकर वो हैरान हो गया। माँ, देवी माँ, ये आप हो? अरे नहीं, तुमने मुझे देख लिया। आप यहाँ साक्षात मुझे अपने दर्शन कराने आई हो? दरअसल मैं बहुत पहले ही तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी। तुम्हें याद है वो भिखारन जिसे तुमने खाना दिया था? वो कोई और नहीं, मैं ही थी। तुमने मेरी मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आई थी। देवी की बात सुनकर प्रेम को सब कुछ याद आ गया। लेकिन अब मेरी असलियत तुम्हारे सामने आ गई है तो अब मुझे जाना होगा। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कमाई का जरिया देकर जा रही हूँ और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे। ऐसा बोलकर वो देवी वहां से गायब हो गई। प्रेम ने तभी से अपने उस ढाबे में कढ़ी चावलों के साथ अलग अलग पकवान बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका काम चल निकला। अरे प्रेम भैया, जरा अपने हाथ की हाफ प्लेट चाउमीन तो खिलाओ। हाफ प्लेट से क्या होगा अंकल, फुल प्लेट लो। सही कहा, तुम्हारे पापा की हाथ की तो फुल प्लेट भी कम पड़ जाती है। अब प्रेम का छोटा सा ढाबा एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल गया था। प्रेम की मेहनत, अच्छाई और ईमानदारी ने सब कुछ बदल दिया था और अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। शालू के दोनों बेटों की शादी रुबीना और आरती के साथ तय हो जाती है और शालू अपने दोनों होने वाली बहुओं को शादी का जोड़ा देती है। रुबीना गोरी और सुंदर थी, इसलिए शालू उसे महंगा सा लहंगा देती है और वहीं आरती के काले रंग को देखकर उसे सस्ता सा लहंगा देती है। ये तुम दोनों के शादी का जोड़ा है। शुक्रिया माँ जी। वाओ मम्मी जी, आई लव दिस लहंगा। वैसे ये लहंगा काफी महंगा आया होगा ना मम्मी जी? अरे तेरी सुंदरता के आगे ये लाखों का लहंगा भी फीका है। अब मैं चलती हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियाँ बाकी हैं। दोनों ही घरों में शादी की तैयारी चलती है, जिसके बाद आरती और रुबीना की शादी अमन और रोहन से हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं, जहाँ शालू अपनी काली बहू को नजरअंदाज करके अपनी गोरी बहू का स्वागत करती है। आ जा मेरी गोरी बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। रुबीना गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी उसकी ननद नैना कहती है, एक मिनट रुकिए रुबीना भाभी, मैं अभी आई। नैना फटाफट से दरवाजे से लेकर कमरे तक फर्श पर गुलाब के फूल बिछा कर कहती है, अब आइए मेरी प्यारी भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सी भाभी को अपने पैर जमीन पर रखने पड़े। ओह थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद। जहाँ एक तरफ शालू और नैना गोरी बहू का ससुराल में ग्रैंड स्वागत करके उसका गृह प्रवेश गुलाब के फूलों के साथ करते हैं, तो वहीं काली बहू का स्वागत कोई भी नहीं करता, जो कि अमन को बहुत बुरा लगता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि माँ ने ये जानबूझकर किया है। अमन ऐसा नहीं है, भीड़ भाड़ में माँ जी भूल गई होंगी। आरती तुम ठहरो, मैं अभी आया। इसके बाद अमन आरती का गृह प्रवेश कराता है। इसके बाद नैना और शालू गौरी के कमरे को अच्छी तरह से सजाती हैं, वहीं काली बहू के कमरे को यूं ही फीका छोड़ देती हैं। मुझे माफ कर देना आरती,
मैं जानता हूँ एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसकी आंखों में कितने सारे सपने होते हैं। अमन, रिश्ते की डोर बहुत ही कच्ची होती है, ज्यादा खींचातानी करके वो डोर टूट जाती है। हमें अपनों को थोड़ा वक्त देना होगा। अगले दिन आरती जल्दी सुबह उठकर साफ सफाई करके पूजा करती है और अपनी सास के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। हाँ ठीक है, अरे जल्दी उठकर पूजा पाठ करके तू क्या साबित करना चाहती है? पहले तो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब कड़ी कड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर खाना बना। काली बहू आंखों में आंसू लिए किचन में आकर गर्मी में खाना बनाती है, तो वहीं रुबीना सुबह के 10 बजे तक एसी की ठंडी हवा में ठाट से सोती है और देर से रेडी होकर मेज पर आकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बहू। मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है? अरे बहू तू गर्मी में किचन में काम करेगी तो तेरा गोरा रंग ढल जाएगा, उस काली कलूटी को मैं झक मारने के लिए थोड़ी लाई हूँ। आरती सभी को पहली रसोई में बनाया खाना परोसती है, मगर शालू जानबूझकर अपनी काली बहू को चढ़ाने के लिए अपनी गोरी बहू को शगुन में ही रोका हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू तेरा शगुन। डायमंड नेकलेस, थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं कब से इसे पहनना चाहती थी। थोड़ी ही देर में शालू अपनी दोनों बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, रुबीना बहू थोड़ी देर में मुंह दिखाई है, तू ये ड्रेस पहनना और तू मेरी काली बहू ये पकड़ ये पहन लेना, और हाँ अपने इस काले थोबड़े पर मेकअप कर लेना। थोड़ी देर में दोनों काली गोरी बहुएं तैयार हो जाती हैं। माँ रुबीना भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे तो जलने की बू आ रही है। अरे नैना जाकर जल्दी से सूखी लाल मिर्च लेकर आ, मैं अपनी गोरी बहू की नजर उतार दूं, क्या पता कहीं है नजर बट्टू जलन के मारे मेरी चांसी सुंदर बहू को नजर लगा दे। शालू मिर्च से रुबीना की नजर उतार देती और दोनों बहू की मुंह दिखाई होती है। अरे शालू तेरी रुबीना बहू तो एकदम चांसी है। अरे मगर दूसरी बहू तो मुंबई की अंधेरी गली जैसी है। क्यों शालू बहू तो एकदम गिनचुन कर लाई है। सभी औरतें आरती का मजाक बनाकर चली जाती हैं, जिसके बाद शालू आरती को उसके काले रंग के लिए बहुत कोसती है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडा लोगों के सामने हमारा तमाशा बना के। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है जो भगवान ने मुझे काला बनाकर भेजा है? देख लो मम्मी मैडम कैसे टिसुए बहा रही हैं। काले रंग के कारण आरती की जिंदगी अपने ससुराल में एक नौकर से बढ़कर थी। वहीं शालू और नैना रुबीना को सराखों पर बिठा कर रखते थे। एक दिन नैना रुबीना से उसकी ड्रेस मांगती है। रुबीना भाभी मुझे ना आपकी वो ब्लू वाली गाउन चाहिए थी, आज मेरी सहेली निशु का बर्थडे है। मगर मैं तुम्हें अपनी ड्रेस क्यों दूँ, मेरी सारी ड्रेस बहुत ही महंगी है और उसे खरीदना और पहनना तुम्हारी औकात से बाहर है। रुबीना की ये बात नैना को बहुत खलती और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी एक दिन, मम्मी जी मुझे 50,000 रुपये चाहिए। मगर बहू आखिर इतने पैसों का तू क्या करेगी, और तू तो देख ही रही है कि घर भी कितनी मुश्किल से चल रहा है। मम्मी जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाने की आदत नहीं है, मुझे तो हमेशा से खुलकर खर्च करने की आदत रही है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। रुबीना ऐसा बोल ही रही होती है तभी रोहन वहां आ जाता है। अच्छा हुआ रोहन जो तुम भी आ गए, मैं अब तुम्हारी माँ और बहन के साथ किश्तों में जिंदगी नहीं काट सकती, अब तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। ये सुनकर शालू रोते हुए रुबीना से कहती है, रुबीना बहू मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, अब मुझसे मेरा बेटा मत छीन। रोहन तुम्हें अभी फैसला लेना होगा राइट नाउ। घर को टूटता देखकर आरती कहती है, रुबीना ऐसा मत करो, घर तोड़कर किसका भला हुआ है, खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं बल्कि परिवार जरूरी है। माँ जी ने शुरू से लेकर अब तक तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखा है, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, क्या तुम वो सब कुछ भूल गई? मुझे तुम्हारी ये फालतू बातें नहीं सुननी है। ऐसा कहते हुए अचानक रुबीना को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर घर आता है और बताता है, मुबारक हो वो माँ बनने वाली है। अपनी माँ बनने की बात पता चलने के बाद रुबीना बहुत खुश होती है, तो वहीं आरती कहती है, रुबीना सोचो भगवान ना करे मगर अगर तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीन ले जाए तो क्या होगा। ये सुनकर रुबीना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे देखकर आरती कहती है, जिस बच्चे ने अभी इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया उस बच्चे से अलग होने के एहसास से ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, पर जिस बेटे ने अपनी माँ के साथ इतने साल बिताए तुम उस माँ से उसका बेटा अलग करने जा रही थी। जाने अनजाने में मैं ये क्या करने जा रही थी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं रोहन को आपसे दूर नहीं करूँगी, वो मुझसे पहले आपके हैं। आरती के कारण शालू का घर परिवार बिखरने से बच जाता है, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर कहती है, आरती बहू आज तेरे कारण मेरा घर टूटने से बच गया, मैंने शुरू से लेकर अब तक तेरे साथ बहुत फर्क किया, तुझे तेरे काले रंग के लिए कोसती रही, मुझे माफ कर दे। आप
मुझसे बड़ी है माँ जी, मुझसे माफी मत मांगिए। इस तरह शालू अपनी काली बहू को अपना लेती है और रुबीना को भी रिश्ते के सही मायने समझ में आ जाते हैं, जिसके बाद सभी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।